लेकिन कहल जा रहे जे 50 फीट तक माटिए छे। गहरा छे चलिए जाइ छे लगो दै छे मछली के लिए अरे बिरसा लाइन ला छिटा मट्टी रे तगार ले के ले न भरै ले सोनी है। रात भर हम लोग बच्चे लेके जगा रहते हैं, लाइट बत्ती लेके, किस्टन घर हमारा गिर जाएगा, बच्चे लेके हम अपना बैठे रहते हैं। इस पर सरकार निगरानी करे, जहाँ तक हमारा आवाज़ जाता है सरकार आवाज़ उठा इसका निर्णय किया जाए, काट कर कटाई कर रोका जाए। हम लोग का रहने कोई व्यवस्था नहीं है, किस टाइम हम लोग बेघर हो जाएंगे, इस पर सरकार अपना सोचन शक्ति कीजिए। हम लोगों को काट से परेशानी है, किनार पर घर है, रात भर जगे हुए रहते हैं, हमको कब बाल बच्चा मिलकर रहते हैं जो कब घर गिर जाएगा, इसलिए हमको बहुत परेशानी है। इस पर सरकार कुछ ध्यान दे, नहीं तो हम लोग बेघर हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत कटाव हो गया है, कम से कम 100 मीटर करीब करीब, घर का दूरी वही 150 गज बचा है। अरे भाई, अब जो है सो कल से जो है सो इतना कटाव हो रहा है गंगा जी का, यहाँ जो है सो कछाड़ जो है सो 30-40 फीट हो गया है। अच्छा। और कल जो है सो लगभग 20-25 लगा कटा हुआ है, गांव में जो है सो सट गया है। अच्छा। मोटा मोटी मुश्किल से 5-7 लगा बचा है। अच्छा। जो है सो रात में जो है सो टॉर्च लेके आदमी घूम रहा है कछार पर, और यहाँ जो है सो कोई प्रशासन नाम का चीज़ ही नहीं है। और यहाँ जो है सो लगभग जो है सो हजारों गाँव घर बसा हुआ है, गाँव बसा हुआ है, इसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। इस पर जो है सो प्रशासन आके किसी तरह से जो है सो इसको बांधेगा, तभी न कोनो बात होगा। गांव कट जाएगा तो दिक्कत है। अब नया में आ रहा है गांव से लगभग वही 5-6 लगा की दूरी है, इसको रोकना चाह रहे हैं, रुकेगा तभी नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए। इसको सरकार चाह लेगी तो 1 मिनट में रुक जाएगा, नहीं चाहेगी तब नहीं रुकेगा। हमको तो लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं है। सरकार से मांग है कि जो इसको रोका जाए, जल्द से जल्द रोका जाए।